अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आपके भाई का बर्थडे था 14 फेब को, तो उस पर मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया। लास्ट टाइम मैंने आपसे एक अपना क्रिकेट का व्लॉग शेयर किया था, आप लोगों ने उसे पसंद किया, लाइक किया, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आगे भी मेरे इस तरह के छोटे छोटे व्लॉग आते रहेंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो आप प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं इसमें क्या चेंजेस ला सकता हूँ, और मतलब मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या कहाँ मेरी मिस्टेक है। क्योंकि मैं इतना, आपको मैंने पहले भी बताया पहली वीडियो में, कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है इतना ख़ास, कि मतलब छोटी मोटी गलतियाँ तो मुझसे हो जाती हैं खैर वीडियो में, चाहे वो कुछ भी आपको मतलब नज़र आए इस टाइप की गलती तो आप मुझे बता सकते हैं। एनीवे, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को पसंद आए। तो मेरा एक बर्थडे का व्लॉग है मैंने बनाया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट, चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज आपके भाई का बर्थडे है। कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? हाँ तो भाई, मैंने कब कहा कि मैंने दुनिया पर पैदा होकर एहसान किया। छोटा सा ब्लॉग बना रहे हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। बराबर वाले रूम में जो है वो तैयारियां चल रही हैं मेरे बर्थडे की। अभी हम उधर जाएंगे और आप लोगों से शेयर करेंगे कि हम परदेश में अपनों से दूर, अपने घर वालों से दूर, अपने मुल्क से दूर, यहाँ पर बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढास। वीडियो बना रहे हैं? नहीं। के लिए बहुत मेहनत की, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, एक उस्मान और एक वसीम। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर आपको मजा ना आए तो पैसे वापस, पैसे तो आपने दिए नहीं, चले खैर फिर भी पैसे वापस। ये मैं हूँ, ये हमारे रूम वाले, और ये बर्थडे की तैयारी हो रही है। उसके बाद हमने एक छोटा सा तबले का प्रोग्राम भी रखा था, वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। पुत्र मैं तेरी इंक्वायरी कराना, मैं तेरा हिसाब लाना चाहता। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने तो बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। बस फिर क्या था, तबला बजाते बजाते नारा हैदरी या अली, फिर धमाल भी शुरू हो गया, तो वो भी देख लें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा जी, तो उसके बाद आते हैं वो लोग जिन्हें दावत नहीं थी, जो बाहर से खड़े होके देख रहे थे, और उनका रिएक्शन क्या था वो आप देख लें। नहीं भाई।
फिर उसके बाद दमाल, दमाल के बाद जो है वो केक काटा, और केक काटने की देर थी, शुरू हो गए सब, कोई गुब्बारे इधर फाड़ रहे, कोई इधर फाड़ रहे, बस जिसको जहाँ मौका मिला उसने वहाँ रख के आगे आप समझ गए होंगे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? है भाई लोग, इस तरह के लोग भी होते हैं दुनिया में, है मजा बहुत आया, एंजॉय किया हमने, पार्टी अच्छी चल रही। और इन सब के बाद फुल एंड फाइनल लास्ट में थोड़ा हमने का डांस वॉज भी कर लेते हैं। थोड़ा सा डांस भी किया फिर, पर वसीम ने जो डांस किया ना वैसा कोई नहीं कर सका, चैलेंज था ओपन, कोई भी नहीं कर सका। करके थक गए, बर्थडे भी हो गई, सेलिब्रेट भी हो गया, धमाल भी हो गया, नाच भी लिया, फिर आखिर में रमज़ान ने थोड़ा सा सिलसिला जुगत, आपको तो पता है फैसलाबाद ही रह नहीं सकते, जरा सही नचता सी उसने तंदी भर दिंदा सी चल मेरे मुकाबले उड़ जा उड़ जा। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।